हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स। सो गाइस हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब क्या हुआ? एक मेरा सर्कल है, सर्कल के पास से एक क्या जा रहा है? टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट से टच होकर जा रहा होता है, ठीक है। सर्कल से एक कोई भी पॉइंट पे टच होकर जा रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। उसका इक्वेशन फाइंड करना है। उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? अब उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, आपको सबसे पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो इसका। क्या होता था वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या देखा था? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको बस ध्यान देना, वो आपका इक्वेशन ऑफ क्या देगा? टेंजेंट। और एक और चीज़, ये जो मेरा पॉइंट होता है यहाँ पर, वो क्या होता है? एक्स वन वाई वन होता है। क्या होता है? एक्स वन वाई वन को एक पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैं एक्स स्क्वायर को कैसे लिखने जा रहा हूँ? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई को क्या लिखने जा रहा हूँ? वाई इंटू वाई। आर स्क्वायर को वैसे रहने दो, ठीक है। क्या करना है? x के जगह पे एक x के जगह पे क्या करना है? x1 डालना है और एक y के जगह पे y1 डालना है। बस ये आपका कौन सा इक्वेशन आ गया? इस टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। इस टेंजेंट का ये इक्वेशन आ गया कौन से फॉर्म में? अगर ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो ये सर्कल, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो इस फॉर्म में होगा सर्कल का इक्वेशन। तो इक्वेशन को कैसे आप निकालेंगे? हम सेम जिसे मैंने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करना है। x को क्या लिखा मैंने? x इंटू एक्स। y को लिखा y इंटू वाई प्लस जी वैसे रखा मैंने, और क्या लिखा है? टू एक्स को एक्स प्लस एक्स लिख दिया प्लस टू, ये क्या है? एफ है ना, एफ। और क्या लिख दिया मैंने? टू वाई की जगह पे वाई प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करना है? एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, दैट्स इट। क्या करना है? बस एक एक्स की जगह पे एक्स वन लिखना है और एक वाई की जगह पे वाई वन लिखना है। ये आपका कौन सा इक्वेशन आ गया? टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। बस इतना सही है, आपको ये फॉलो करना है और आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब क्या करना है? मुझे एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। कौन से सर्कल से होकर जा रहा है? इस सर्कल से होकर जा रहा है। कौन से पॉइंट पर वो टेंजेंट कट कर रहा है? ओरिजिन पर। मतलब क्या है? ये मेरा सर्कल है और यहाँ से ये टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट जो कट कर रहा है वो जीरो कॉमा जीरो है, जिसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स वन वाई वन का वैल्यू है। समझ में इतनी बात? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट वन का। ये जो फर्स्ट वन है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन में सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वन में क्या होगा? जो मेरा ओरिजिन दिया हुआ है जीरो कॉमा जीरो, एक पॉइंट है पी ले लेता हूँ मैं, वो क्या है मेरा? एक्स वन वाई वन है। यहाँ से मुझे पता चल गया क्या है? एक्स वन और वाई वन है। यहाँ से मुझे इतना चीज़ पता चला। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या करता हूँ? मैं ये इक्वेशन उठाता हूँ। ये इक्वेशन क्यों उठा रहा हूँ ना, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहले लिख लेता हूँ प्लस 2y इक्वल टू जीरो। इसका रीजन क्या है? अभी मैं इसको अगर कंपेयर करूंगा तो यहां से मुझे g और f की वैल्यू मिल जाएगी, g f की वैल्यू और c की वैल्यू, g f और c की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी। लेकिन यही चीज अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊँ, इक्वेशन आपको पता है टेंजेंट का, डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊँ, तो वहां पर मुझे जरूरत पड़ती है किसकी? g f और c की वैल्यू। तो इसलिए मैं यहां से जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर से मुझे पता चलेगा क्या कि टू जी क्या हो जाता है? माइनस थ्री हो रहा है, मतलब जी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। ये जी आ गया मेरे पास। यहाँ से क्या पता चल रहा है? टू एफ इज इक्वल टू टू है, मतलब क्या हुआ? एफ इज इक्वल टू वन हो गया। और यहाँ से क्या पता चल रहा है? सी इक्वल टू, देखो कुछ नहीं मतलब जीरो है, सी इक्वल टू जीरो है। ये तीन चीज़ पता चल गई। नाउ अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट का क्या फॉर्मूला हमने देखा था? इसके जैसा ही है। x x1, देखो मैंने x1 x1 यहां पर है और x2 y1 यहां पर है, x1 और y1 यहां पर है, ठीक है। x x1 प्लस y y1, इसको देखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा इक्वेशन। 2 की जगह पे कुछ नहीं, g आया था यहां पर, 2 की जगह पे x प्लस x1 प्लस ये क्या होता है? f y प्लस y1 प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मेरा इक्वेशन था। अब जस्ट मुझे क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। एक्स वन की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा।
वाई वन की वैल्यू जीरो है, ये भी टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या बचा, जी, जी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाई टू, ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, एक्स वैल्यू एक्स ही रहेगी, और एक्स वन की वैल्यू क्या है, जीरो। फिर से मेरे यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस जीरो, प्लस एफ की वैल्यू क्या है मेरी, वन है, देखो वहां पर वन है, वन वाई प्लस वाई वन क्या है वापस यहां पर देखो जीरो है, ठीक है, जीरो प्लस सी की वैल्यू मेरी क्या है, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अभी देखना, माइनस थ्री बाई टू, देखो ये एक्स माइनस जीरो एक्स ही होगा सिर्फ, सिर्फ एक्स, ठीक है, प्लस वाई, देखो यहां पर वन से मल्टीप्लाई हो गया और वाई प्लस जीरो सिर्फ वाई होता है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, टू को मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग टू थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को इक्वल टू के साइड भेजता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कोशिश करता हूँ एक्स वाला टर्म मेरा पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, शो दैट द लाइन, ये लाइन जो है किसको टच करके जा रही है, सर्कल को टच करके जा रही है, कौन से पॉइंट से, ये पॉइंट से। इसके दो तरीके हैं, या तो ऐसे कर दो जैसे मैंने बताया, सेम चीज़ है, बस पॉइंट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जो पॉइंट वहाँ पर एक्स वन वाई वन है वो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी सब सिमिलर चीज़ है, बस ये जो है यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बस बाकी सब सेम है। बट अभी आपको ये वापस जब आप सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आने वाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई हम सही प्रूफ कर चुके हैं इसको, ठीक है। बट लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही स्मार्ट वे में बोलूँगा कि अगर जब पॉइंट दिया हुआ है आपको और हमें बताना है कि ये लाइन इससे टच होके जा रहा है, तो क्या करना है, बस वन और टू को एक्स और वाई की जगह पे पुट कर दो हर एक जगह पे। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो लाइन है इससे टच होके जा रहा है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये पॉइंट दोनों में आ रहा है ना, तो ये एक ही प्लेन का पॉइंट है, तो एक ही में एक ही मतलब समझो ये ग्राफ बन रहा है, कहीं से भी एक पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट पे अगर दोनों लाइन आ रहे हैं, दोनों भी लाइन कहीं से भी आ रहे हैं, कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, अगर ये पॉइंट पर टच हो रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, कट होके जा रहा है ना, तो जस्ट एक पुट करके आप निकाल सकते हो इसको। तीसरा वाला कैसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सेम क्वेश्चन देखो, सेम, बस इक्वेशन अलग है पॉइंट अलग है, इक्वेशन अलग है पॉइंट अलग है, ये वाला दोनों आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक समरी के साथ, तब तक ले स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।